अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो में आपने देखा कि नई पड़ोसन ने कैसे मुझे सताया और फिर मैंने क्या किया, वो देखिए आज की वीडियो में। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। उफ हुस्ना, तुम भी। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो डरी गई। सोचते हैं फिर इसका इलाज कुछ। हाँ हाँ बताओ मुझे कुछ। तुम्हें पता है बार बार मना करते भी बुरा लगता है, अब अगले को खुद ही एहसास ना हो तो मैं क्या करूँ। अगर एहसास नहीं हो रहा तो एहसास दिला दो। वो कैसे? तुम उनके घर जाओ और उससे भी वही तमाम चीजें मांगो जो देनी नामुमकिन होती हैं। शायद उसे एहसास हो जाए कि दूसरे को कितनी तकलीफ होती है। तो क्या ये तरीका काम करेगा? कोशिश कर लो, चल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा बैठो तो सही, तुम कब से खड़ी हो? अरे नहीं, मैं तो सब्जी लेने निकली थी, नताशा बताशा को देख के मैं यहाँ को निकल आई, अब तो घर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नताशा? ओह हेलो आंटी। अरे फिर से आंटी? आई मीन आप ही। अच्छा तुम्हारे जाने के बाद उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे तुम्हें सोफा सेट दे देना चाहिए था। वेल इट्स ओके, फिर आइंदा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पड़ोसियों के तो बहुत हक होते हैं ना। तुम्हारा घर यहाँ से करीब है, ऐसा करते हैं वहाँ चलते हैं, आराम से बैठ के चाय पीते हैं। Well, अभी तो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। ओके बाय बाय आपी। उफ कितनी चलाक है, उसने इसे सही नताशा बताशा कहती है। खैर मैं भी छोड़ूंगी नहीं। सरप्राइज। अरे आपी, आप यहाँ आने से पहले इन्फॉर्म तो करती, यू नो कुछ एटिकेट्स भी होते हैं। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूँ और चाय भी पी लूँ तुम्हारे हाथ की। मैं चाय बनाऊँ? मुझे तो चाय बनानी ही नहीं आती। चलो छोड़ो चाय को, तुम मुझे अपनी ज्वेलरी वगैरह तो दिखाओ। तुमने बताया था ना तुम्हारे पास बहुत ज्वेलरी है, बहुत ज़बरदस्त कपड़े हैं। अच्छा छोड़े सब बातों को, मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है। अरे वाह क्या बनाया है? अभी यहीं पे तो थी, कहाँ गई? ऐसा क्या बना लिया तुमने मेरे लिए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई सुन के। यू नो व्हाट हैप्पी, परसों मेरा बर्थडे है। ओ वाओ जबरदस्त। मैंने आपके लिए उन तमाम गिफ्ट्स की लिस्ट बनाई है जो आप मुझे देना चाहती हैं। क्या? ओके अभी मैं आपको लिस्ट व्हाट्सएप करती हूँ। अच्छा चलो मैं अपने घर जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। जल्दी जल्दी मैंने घर का काम निपटाया और यहाँ आई। मैंने कहा पूछूँ तो सही, कल गई थी तुम नताशा बताशा के घर, क्या मना? हाँ गई थी मैं। फिर खूब सबर से खाया ना उसे, बड़ा मज़ा आया होगा। जल्दी जल्दी बताओ ना, पेट में दर्द हो रहा है मेरा तुम्हारे तजस्सुस के। जी 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 जी, बहुत खूब सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया कि मैं हमेशा याद रखूंगी। एक तो ये जहर लगती है तुम्हारी आदत, हर बात को पजल बना देती हो, जल्दी बताओ ना। मैडम का कल बर्थडे है और मुझे गिफ्ट की एक लिस्ट व्हाट्सएप की है जो मैं उसे देना चाहती हूँ। भाई मैं उसे क्यों गिफ्ट दूँ? तुमने लिस्ट ले भी ली, वाह 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 कमा लिया। मैंने कहाँ ली, उसने तो मुझे व्हाट्सएप कर दी और इतनी ढेर सारी लिस्ट है, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। तो ये बात है, बड़ी तेज है। चलिए इसका कोई इलाज करते हैं, तुम बेफिक्र हो, जब उसने है तो फिर क्या टेंशन है। नहीं बस रहने दो, मुझे उसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। लो इतने प्यार से उसने तुम्हें अपनी बर्थडे में बुलाया, लेकर जाना ना गिफ्ट। ना भाई मैं नहीं जाऊंगी उसके घर,
अभी बर्थडे गिफ्ट की लिस्ट पकड़ा दी, कल जहेज की लिस्ट ही ना पकड़ा दे। मैंने नहीं वहाँ जाना। आप उसको तो मैं खाला के हवाले करूँगी, वो खुद ही निमट लेंगी उससे। ये ठीक है, चलो नाश्ता तो बनाओ, मैं बगैर नाश्ते के ही चली आई तजस्सुस के मारे। तब यस, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कमेंट कर दें, और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, इतना तो मैं भी आपको जानती हूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।